नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5.3। 5.3 स्टार्ट करने से पहले एक बात बताऊंगा, अगर एक्सपेरिमेंट में के आउटकम में अगर कुछ भी नहीं आता है समझ में, जैसे हम लोग एक डाई थ्रो किया, एक डाई थ्रो करने के बाद मैंने कहा द नंबर ऑन अपर फेस इज अ 7, अपर फेस के ऊपर मुझे 7 चाहिए, तो 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, राइट? तो उसे हम लोग नल सेट लिखते हैं। नल सेट तुम लोग को पता है, लास्ट सेट तुमने 9th में किया था। नल सेट मतलब क्या? उस सेट में हम लोग कुछ भी नहीं लिखते, उसको ब्लैंक रखते हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5.3। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पॉइंट नंबर ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, अल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी। इसमें एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस लिखना है, उसके बाद जो भी इवेंट्स है उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो भी इवेंट्स है वो इवेंट्स के नंबर भी हमें लिखने हैं, राइट? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाई इज थ्रोन, एक डाई जो है, एक डाई को हम लोग ने फेंका ऐसे नीचे, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब क्या? इसमें से कोई भी एक नंबर ऊपर आ सकता है। सो एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ में? सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा? 6, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब इवेंट क्या है देखो, इसमें इवेंट ये है, इवेंट ए इवन नंबर ऑन अपर फेस, उन्हें कंडीशन रखिए कि ऊपर ना इवन नंबर आना चाहिए, ऊपर अपर फेस के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। तो ए क्या आएगा, इवन नंबर कौन से है? 2, 4, 6, इवन नंबर कौन से आएंगे? 2, 4, 6। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मतलब 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, क्योंकि ये इवन नंबर्स है, राइट? सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। सेकेंड इवेंट क्या है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, अपर फेस के ऊपर क्या चाहिए मुझे? ऑड नंबर चाहिए। सो ऑड नंबर इज 3, 1, 3, 5, अगेन 1, 2, 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू अगेन 3। इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, ऊपर मुझे प्राइम नंबर चाहिए। नाउ सी 1 इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ कॉन्जिक्यूटिव, राइट? सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सो प्राइम नंबर ऑन द अपोजिट फेस सी इज इक्वल टू 2, 3, 5, दिस आर प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, सो सी इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3, समझ में? 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर, ये तुमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। सो 2, 3, 5, सो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3, ओके? देखो एक डाई जो होता है, एक डाई अगर मैंने थ्रो किया तो नंबर ऑफ एस कितना आया? 6। अगर दो डाई किए तो कितने आएंगे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 12, तो 12 नहीं आ सकते, उसमें 36 आते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, When two dice are thrown, when two dice are thrown, when two dice are thrown, जब दो डाइस हम लोग थ्रो करते हैं नीचे से फेंकते हैं तो क्या आ सकता है? 1, 1, मतलब दोनों के ऊपर 1, 1 आ सकता है, एक के ऊपर 1 और दूसरे के ऊपर 2 आ सकता है, एक के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, दैट इज 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, समझ में? या फिर ये भी तो हो सकता है कि 2 और 1 आए, पहले के ऊपर 2 दूसरे के ऊपर 1, या दोनों के ऊपर 2, 2 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, 4, 5, 6, ये कंटिन्यू कहाँ तक हो सकता है? 6 तक, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6 के आगे जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 7 होता नहीं है। तो टोटल अगर हम लोग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 6, 36, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36, समझ में? इसमें जो सैम्पल पॉइंट है, सैम्पल पॉइंट कितने है टोटल? 36 सैम्पल पॉइंट है। और इसमें इवेंट क्या है देखो, सम ऑफ डिज ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब ऊपर के जो नंबर्स है, नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करते, सम मतलब एडिंग, अगर दो नंबर्स को हम लोग ऐड करते तो आंसर 6 या 6 के मल्टीपल में आना चाहिए, लाइक 6, 12, 18, 24, 30, etc, ओके? 6 के टेबल में। नाउ सी, ऐसे नंबर ढूंढो जिनको प्लस करने पर 6 आंसर आना चाहिए। अगर मैं 1 और 4 लेता हूँ, 1 और 4 लिया तो आंसर क्या आएगा? 5, सो इट इज़ नॉट एलिजिबल, राइट? सो नेक्स्ट क्या है? 1 एंड 5,
1 and 5 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, 6 6 12. मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 और 12 चलेगा. सो 1 5 2 4, 3 3, 4 2, 5 1 and 6 6. ये नंबर्स जिनको ऐड करने पर आंसर क्या आएगा, 6. सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6. बी, इवेंट बी, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10. क्या बताए, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10. जब मिनिमम 10 का है तो 10 से ज़्यादा भी चलेगा. जब बोलते हैं ना हम लोग मिनिमम 10 तो लेकर आओ, मिनिमम 10 मार्क्स तो लेकर आओ, तो 10 से ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा. मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस समझो. मिनिमम मतलब मिनिमम जो नंबर दिया है उससे ज़्यादा भी चलता है, और मैक्सिमम मतलब जो नंबर दिया उससे कम चलता है. जैसे बोलते ना मैक्सिमम 5 लोग आ सकते हैं. मैक्सिमम 5 मतलब क्या कि 6 आएगा तो उसको जगह नहीं होगी. 4 है तो चलेगा, क्योंकि 5 सीट है ना, उसके ऊपर 4 रहेंगे तो भी चलेगा, इट इज़ कम्फर्टेबल. ओके, लेकिन 6 हो गए तो कम्फर्टेबल नहीं होगा. सो मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम. मिनिमम 10 लोग आ सकते हैं, सो मिनिमम 10, तो 10 से ज़्यादा आएंगे तो भी चलेगा. इवेंट बी, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10. सो 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6. मिनिमम 10 मतलब 10 से ज़्यादा भी चलेगा, और इसलिए क्या ले, 5 6 5 6 कितने होते हैं, 11. 6 5 11, 6 6 12, मतलब 10 से ज़्यादा भी चलेंगे. तो ये नंबर्स होते हैं 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6. सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6. कितने सैंपल पॉइंट इसके, 6. इवेंट सी, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस. अपर फेस में क्या सेम डिजिट आने चाहिए, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, राइट. दोनों के ऊपर सेम नंबर है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. सो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू ऑल्सो 6. नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6. गॉट इट एवरीवन? राइट डाउन.